हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी। इसके लिए मैं इधर आधा किलो चिकन लेके अच्छे से धो के इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल के रख ली हूँ। चिकन सारा इसमें एक प्लेट में डाल ली हूँ मैं। अभी इसमें हम थोड़ा मसाले डाल लेंगे, थोड़ा मैरिनेट करके रखेंगे तो चिकन अच्छे से मसालों में सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी रहेगा, फीका फीका नहीं लगेगा। आधा किलो चिकन के लिए बना रही हूँ मैं। इसमें आधा स्पून पहले नमक डाल रही हूँ। इसी के साथ हम 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालने के बाद 1/2 स्पून मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ 1/2 स्पून में धनिया पाउडर इसमें डाल रही हूँ, 1/4 स्पून गरम मसाला इसको भी डाल लेंगे, 1/2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसे भी हम इसमें डाल देंगे, 2 स्पून तेल डाल रही हूँ इसमें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमको मिला लेना है। अच्छे से चिकन में मसाले मिल जाना है। इस तरीके से मिला के अच्छे से इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी मैं। अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी हम बनाना शुरू करेंगे। कुकर रख चुकी हूँ मैं, कुकर में तेल डाल लेंगे। आप चाहे तो ओपन पैन में भी बना सकते हो। 1 चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ, जो सालन का चम्मच होता है ना गोल वाला, उससे 1 चम्मच भर के मैं तेल डाल चुकी हूँ। इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इधर मीडियम से इसके प्याज में 2 बारीक बारीक कट करके रख ली हूँ, इसको डाल लेंगे हम। अगर ज़्यादा बड़ी प्याज होगी तो 1 ले सकते हो, ये मीडियम से इसके थे इसलिए मैं 2 प्याज ली हूँ। इस प्याज को हम थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा कच्चापन खत्म होने देंगे। प्याज में कच्चापन जाने के बाद इसमें हम 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। इसी के साथ 1/2 स्पून जितनी हल्दी भी इसमें डाल देंगे हम। इसको अभी अच्छे से भून लेना है, प्याज अच्छा थोड़ा कलर चेंज हो जाना है जब तक इसको भून लेंगे हम। प्याज भून चुके, इतना ही भूनना है। अभी इसमें हम 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होता है इसको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन भून जाने के बाद तो थोड़ा धनिया पत्ता कटा हुआ डाल देंगे हम। फिर इसको मिलाने के बाद अभी इसमें हम चिकन डाल देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे हम। चिकन को हम अच्छे से भून लेना है, कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। जितना भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार चिकन ग्रेवी बनके तैयार होगी, इसलिए 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम इसको भून लेंगे। चिकन अच्छे से 5 मिनट तक भून चुकी हूँ। अभी इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ली हूँ, इस तरीके से बारीक बारीक कट करके रखी हूँ, इसको डाल लेंगे हम। डालने के बाद पहले ही थोड़ा नमक डाले ही हम, और 1/2 स्पून जितना नमक डाल रही हूँ। इस टमाटर को भी अच्छे से हम भून लेंगे। टमाटर अच्छे से नरम हो जाना है जब तक अच्छे से गोश्त में इसको भून लेना है आपको। अच्छे से हम भून लेंगे टमाटर नरम हो तक, क्योंकि चिकन को अच्छे से भून चुके हूँ, टमाटर नरम हो गए हैं, पानी छोड़ दिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। 1 स्पून मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करें हैं और पहले भी हम थोड़ा मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करें हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इतना तीखा नहीं रहता। अगर तीखा ले रहे हो तो आप 1/2 स्पून लीजिएगा। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, इसी के साथ थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। सारे चीज़ों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे मसालों को। आप हर मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट भून के ही बनाइएगा, अच्छा टेस्टी चिकन बनेगा। सिर्फ भूनने में ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लगता है इसको, सिर्फ भूनने में ही थोड़ा टाइम लगता है। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ढक के भून लूँगी। देखिए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पक चुका है ये। नमक चक कर लीजिएगा, इस समय पे नमक कम होगा थोड़ा डाल सकते हो। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेंगे, ज़्यादा पानी मैं डाइट के लिए क्या
ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस थोड़ा पानी डाल लीजिएगा भाई, एक पाव कप जितना पानी डाली हूँ इसमें। अब चाहे तो ओपन पैन में भी 10 से 15 मिनट तक पका सकते हो, लेकिन मैं कुकर में ढक्कन लगा दूंगी, 2 सीटी आने दूंगी। कुकर का लिड लगा चुकी हूँ, कम से कम 2 से 3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी आने के बाद बंद करके प्रेशर सारा ख़त्म होने तक आप सीटी मत निकालिएगा। फिर दोस्तों 3 सीटी आने के बाद सारा प्रेशर ख़त्म होने के बाद मैं लिड को ओपन कर रही हूँ। अच्छे से ये दम हो चुका है, चिकन ग्रेवी बन के तैयार है, अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। दोस्तों मैं सर्व कर चुकी हूँ गरम गरम पराठे के साथ, आप राइस रोटी पराठे के साथ इसको सर्व कर सकते हो, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।